नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि शुक्र ग्रह के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप बिना कुंडली देखे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है या कमजोर है, और यदि कमजोर है, शुभ फल नहीं दे रहा है, तो क्या उपाय करें जिससे शुक्र ग्रह से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने लगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे और लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा जी? दिनांक 19 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 7:51 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, शुक्र ग्रह को बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। लोग नाम सुनते हैं शुक्र ग्रह का तो थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। तो शुक्र ग्रह की आखिर क्या विशेषताएं हैं, ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? प्रवीण जी, ज्योतिष के आचार्यों का मानना है कि बृहस्पति 100% शुभ है, उसके बाद सबसे ज्यादा शुभ होता है शुक्र 75%, और शुक्र के अंदर भी गुरु वाले गुण पाए जाते हैं, भले ही वो दैत्य गुरु हो लेकिन है तो गुरु ही, तो उनके अंदर भी शुभता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अगर हम शुक्र की विशेषताओं को समझना चाहें कि शुक्र की विशेषताएं क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, देखिए, शुक्र को ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना गया है। शुक्र का मतलब जो सॉफ्ट हो, जो ब्यूटीफाई हो, जो सौंदर्य वाला हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, कोमल हो, वो शुक्र है। इसको भी ग्रहों में मंत्री पद प्राप्त है, और शुक्र गुरु भी हैं, भले ही दैत्यों के गुरु हों लेकिन इनके अंदर भी तपस्या के गुण, आचार्यत्व के गुण पाए जाते हैं। शुक्र जीवन की भावनाओं से संबंध रखते हैं। चंद्रमा मतलब होता है मन, और शुक्र मतलब होता है भावनाएं। इसीलिए चंद्रमा और शुक्र का जब संबंध कुंडली में बनता है तो आदमी घनघोर इमोशनल होता है। शुक्र आपके जीवन के इमोशंस को कंट्रोल करता है। कुछ लोग कुछ अंशों में इसे गुरु का दर्जा भी देते हैं, और वास्तव में गुरु होने के गुण शुक्र के अंदर पाए जाते हैं। ये विवाह, प्रेम और सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। आपका विवाह कैसा है, कब होगा, जीवन में प्रेम कितना है, रिश्ते कैसे हैं, जीवन में आप कितने सुखी हैं, आप कितने हैप्पी हैं, यह भी शुक्र ही डिसाइड करेगा। जीवन में किसी भी प्रकार का सुख शुक्र से ही प्राप्त होता है। कोई भी सुख, पलंग पर सोने से लेकर के गाड़ी में घूमने तक, सारे सुख शुक्र से ही प्राप्त होते हैं। शुक्र के कमजोर या मजबूत होने के लक्षण बड़ी आसानी से समझ में आते हैं। शुक्र जो है ना, वो प्रेजेंटेशन का मालिक है। आपके बोलने का, पहनने का, बातचीत करने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, वो अगर आप गंभीरता से देखें आप तुरंत समझ जाएंगे कि आदमी का शुक्र कैसा है। शुक्र को पहचानना और शनि को पहचानना, ये लक्षणों से बहुत आसानी से पहचाना
जा सकता है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज आर्थिक रूप से जीवन में मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से बचाव करें, बड़ों से सलाह लेकर काम करें तो अच्छा होगा। सफेद मिठाई का अगर आज दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई बड़ा काम आपका इस समय बन जाएगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका गुलाबी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह को कैसे समझें, शुक्र ग्रह से कैसे लाभ उठाएं। पंडित जी, आपने कहा कि शुक्र ग्रह के लक्षणों को बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है, तो जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता लगेगा कि शुक्र कमजोर है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है? प्रवीण जी, शुक्र का मतलब एक लाइन में होता है प्रेजेंटेशन। जिस आदमी का पहनावा, बातचीत करने का तरीका, स्टाइल बहुत अपील करती हो, आंख मूंद के जान जाइए उसके ऊपर शुक्र का अच्छा प्रभाव है। फिर भी हम बताते हैं कि शुक्र अगर आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा हो, कमजोर हो, तो क्या फल देगा? शुक्र अगर कमजोर हो, शुभ फल ना दे रहा हो, तो व्यक्ति बिल्कुल आकर्षक नहीं होता, अट्रैक्शन वाला पार्ट उसका कमजोर होता है, ना तो रूप रंग से आकर्षक होता है और ना अपने कपड़े पहनने से, अपने परिधान से भी आकर्षक नहीं होता। व्यक्ति बहुत साफ सुथरे और अच्छे तरीके से नहीं रहता, सुविधा कितनी भी जुटा ले सुख नहीं मिलेगा। आपने बढ़िया पलंग बना लिया, नींद नहीं आएगी आपको। आपने बढ़िया गाड़ी खरीद ली, आप कभी घूम नहीं पाएंगे। अगर शुक्र कमजोर है, सुविधा शायद मिल जाए आपको, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। अगर पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता, उसके जीवन में लव अफेयर जैसी चीजें नहीं होंगी और विवाह के बाद जो रिलेशनशिप होता है, जो प्रेम संबंध होता है, वैवाहिक संबंध होता है, वो उसे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ शुक्र का कमजोर होना दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं आने देता। जिनका शुक्र कमजोर होता है ऐसे लोग प्रेजेंटेबल होते तो नहीं है, लेकिन हमेशा दिखावे की कोशिश करते हैं, ज्यादातर काम भाव में
और दिखावे में प्रदर्शन में लिप्त रहते हैं। शुक्र अगर कमजोर होगा तो आपको लगता है कि मैं दिखावा करूंगा, लोग मुझसे आकर्षित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। शुक्र अगर अच्छा होता है तो आप दिखावा करें या ना करें, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे जरूर। लेकिन शुक्र कमजोर हो, शुक्र की स्थिति फेवरेबल ना हो, तो आपका दिखावा भी अपील नहीं करता, लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, मनोरंजन के कार्यों में धन खर्च करेंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आज का दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, परिवार में अशांति हो सकती है, संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका फिरोजी। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज पंडित जी बताने वाले हैं कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें क्यों नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शुक्रवार है, आज खट्टी चीजें ना खाएं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई शास्त्रीय कारण है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। हमारे शास्त्र इस पर क्या कहते हैं ये पंडित जी से समझेंगे। अब सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके भाग्यचक्र@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर हमें भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से पंडित जी सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं? आज का जो प्रश्न है वो मोहिनी जैन ने हमें लिखा है। मोहिनी जैन हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1975। जन्म का समय है शाम के 7:05 और जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। मेल लिखती हैं आगरा से। मोहिनी हमें लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, तो क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो और पारिवारिक जीवन में खुशियां आ सके। मोहिनी, सबसे पहले आपको बता दूं कि देखो, आपका वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली के हिसाब से एवरेज ही है और ये एवरेज ही रहेगा, इसके एक्सीलेंट होने के चांसेस नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी जितनी निगेटिव स्थिति है वो आने वाले समय में काफी बेहतर हो सकती है।
अभी आपको मैं कहूंगा कि जुलाई 2024 तक शांति बनाए रखें, जोश में आके, एग्रेशन में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। हर सोमवार का उपवास रखें और सोमवार को भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में संतोषजनक सुधार होना शुरू हो जाएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह अगर कुंडली में कमजोर है तो उसके क्या लक्षण हैं, शुक्र मजबूत है तो आप कैसे पहचाने। पंडित जी, लोग कैसे समझें कि उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत है, ऐसे क्या लक्षण है जिससे अपने आप पता लगता है कि शुक्र मजबूत है? अपने को तो प्रवीण जी समझ में आ ही जाता है कि शुक्र अच्छा है या कमजोर है, लेकिन अगर आपको लक्षण पता हो तो आप दूसरे आदमी के साथ बैठकर भी जान पाएंगे कि इसका शुक्र कमजोर है या मजबूत है। लक्षण बड़े प्रोमिनेंट होते हैं शुक्र के और वो बता देते हैं कि शुक्र का किस कदर इंपैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर है। अगर शुक्र का इंपैक्ट, शुक्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर हो, शुक्र आपके लिए शुभकारी हो, तो व्यक्ति बहुत आकर्षक होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। हो सकता है दिखने में बहुत अच्छा ना हो, लुक वाइज बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव ऐसा होता है कि दूसरे उससे बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा जीवन में नाम और यश अर्जित करते हैं और अमूमन आम तौर पर ग्लैमरस भी होते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है। अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों से सम्मान मिलता है और अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों से उनको बहुत सम्मान मिलता है। और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है और सोने के मामले में तेज होते हैं। इनको सुख और सुविधा, ये दोनों चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इनके पास सुविधा हो या ना हो, लेकिन सुख जरूर होगा। हो सकता है अपनी हैसियत ना हो महंगी गाड़ियों में बैठने की, लेकिन शुक्र अगर अच्छा होगा, आपकी अपनी गाड़ी हो या ना हो, आप एक से एक बेहतरीन गाड़ी में बैठेंगे। आपके पास ट्रेन से चलने के पैसे नहीं हैं, आप दूसरों के पैसों पर फ्लाइट में सफर करेंगे। आपके प्रेजेंटेशन स्किल की वजह से, आपके आकर्षण की वजह से लोग जबरदस्त तरीके से आपके ऊपर आकर्षित होंगे। और पुरुष हैं तो महिलाएं उनकी बड़ी सहायता करेंगी और महिला हैं तो पुरुष उनकी सहायता करेंगे। देखिए, शुक्र वाले आदमी को आप दूर से पहचान जाएंगे। उसके बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके समझाने का तरीका। और शुक्र वालों के साथ एक बात जरूर होती है जो देखा गया है कि अक्सर वो गाना गुनगुनाते रहते हैं या अक्सर वो खुश होते हैं तो म्यूजिक की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जिनको देख करके आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपका शुक्र कुंडली में शुभ फल दे रहा है। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं दूर होंगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नए काम के योग बन रहे हैं, काम के मामले में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह कैसे आपके जीवन में असर डालता है, शुक्र ग्रह अगर अनुकूल है तो उसके क्या लक्षण है। पंडित जी, जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, हर आदमी चाहता है कि शुक्र से शुभ फल लिया जाए आज के जमाने में, तो अगर शुक्र कमजोर है तो उससे शुभ फल पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक लाइन में प्रवीण जी, अपने जीवन को बहुत प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप अपने जीवन को प्रेजेंटेबल बना लें, अच्छा आकर्षक बना लें और जीवन में थोड़े सिस्टम से रहें, शुक्र आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया है कि आपका शुक्र आपको शुभ परिणाम नहीं दे रहा है तो कौन से उपाय किए जाएं, कौन से प्रयास किए जाएं जिनसे आपका शुक्र आपको शुभ फल दे, बेहतर फल दे। शुक्र के मंत्रों का भोर में जप करिए। शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, भोर का तारा। वैसे तो संध्या काल में भी जप सकते हैं लेकिन शुक्र के मंत्रों का भोर में अगर जप करें तो बहुत अच्छा होगा। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें, लाइट खुशबू वाले इत्र को लगाएं। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से अपना जीवन बिताइएगा। सुबह के समय मिश्री और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइए। सफेद रंग या गुलाबी रंग का बहुत प्रयोग करिए, ज्यादातर व्हाइट कलर का या पिंक कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें, चाहे वो घर की महिलाएं हों, घर के बच्चे हों, बाहर की महिलाएं हों, बाहर के बच्चे हों, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। और शुक्र से लाभ लेने के लिए एक ओपल या एक जरकन जरूर धारण करें। देखिए, अगर शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बड़े महंगी खरीदारी करिए, बड़े महंगे कपड़े पहनिए, जो भी पहनिए, जो भी ओढ़िए वो बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, अच्छी तरह से बनाया हुआ हो। दूसरा, आप अपने व्यवहार में, स्वभाव में थोड़ी शालीनता लाइए। बहुत लोग बात करते हैं वो नॉर्मल बात करेंगे लेकिन लगेगा झगड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर मंगल का प्रभाव होता है। खैर, तो व्यवहार में, स्वभाव में थोड़ी सी शालीनता, थोड़ी सी सॉफ्टनेस ले आए, अच्छा रहेगा। अच्छा संगीत सुने, अच्छा भजन कीर्तन करें और खुशबू का प्रयोग जरूर करें।
अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो शुक्र के शुभ परिणाम आपको जीवन में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए? एक तो प्रवीण जी, जो खट्टा स्वाद है वो शुक्र का होता है। हर ग्रह का एक स्वाद है, शुक्र का जो स्वाद है वो खट्टा है। तो सामान्यतः जो लोग शुक्रवार का उपवास रखते हैं वो शुक्र से संबंधित चीजें नहीं खाते हैं। दही नहीं खाते हैं, शुक्र से संबंधित मिठाइयां नहीं खाते और खट्टा भी नहीं खाते। इसके अलावा लोकाचार की एक देवी है संतोषी माता, शास्त्रगत देवी नहीं है, लोकाचार की देवी है, लोगों की मान्यता की देवी है संतोषी माता। लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग संतोषी माता का उपवास रखते हैं, जो लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, उन्हें शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष ये कहता है कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अशुभ परिणाम दे रहा हो तो शुक्रवार को क्या सामान्यतः भी खट्टा नहीं खाना चाहिए। अगर शुक्र आपको अशुभ फल दे रहा हो तो खट्टा खाने से बचना चाहिए, लेकिन सामान्य स्थितियों में आप शुक्रवार को खट्टा खा सकते हैं। हाँ, जो लोग संतोषी मां की पूजा करते हैं या शुक्र ग्रह के लिए व्रत रखते हैं उन्हें शुक्रवार को खट्टा खाने से बचना चाहिए। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति बनाए रखें, नए काम की शुरुआत करने से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बनाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता दूर होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है, शुक्र मजबूत है तो क्या फायदे देगा, कमजोर है तो क्या नुकसान देगा। पंडित जी, कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अगर मारक परिणाम दे रहा हो, अशुभ स्थिति में हो, लोग उससे परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए? शुक्र अगर आपको बीमार करेगा या मारक फल देगा, शुक्र का संबंध होता है उन बीमारियों से जिसमें प्यास बहुत लगती है, जैसे डायबिटीज है, जैसे किडनी की समस्या है, यूरिनल प्रॉब्लम है, मूत्र नली की समस्या, ये सब शुक्र के पास है। और शुक्र आंखों के लेंस का मालिक भी होता है, इसीलिए आगे चल के ग्लूकोमा भी देता है जब आंखों की लेंस पूरी तरह से खराब हो जाती है।
अगर शुक्र कुंडली में बहुत ही अशुभ फल दे रहा हो, एकदम मारक परिणाम दे रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप दो तीन उपाय करिए। पहला काम ये करिए कि भगवान शिव की जितना संभव हो उतनी पूजा करिए। स्वयं के लिए नमः शिवाय पढ़िए सुबह शाम, और दूसरे के लिए करना है तो ओम नमः शिवाय सुबह शाम पढ़िए। शुक्रवार को सफेद मिठाई का या दही का दान करिए, और शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाके उनका दर्शन करिए और उनसे प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा उपाय नियमित रूप से करें तो शुक्र के भयंकर अशुभ परिणाम जो हैं, जो शुक्र के बहुत ज्यादा नकारात्मक फल हैं, उन फलों से आप बचे रहेंगे। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का, तो पंडित जी लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, आज आपके लिए धन लाभ के योग बने हुए हैं। नंबर 3, आज आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 4, इस समय आपका कोई महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है। नंबर 5, आज काम की अधिकता आपके साथ बनी रहेगी। नंबर 6, आपका स्वास्थ्य आज बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। नंबर 7, आज मित्रों के साथ बेवजह के विवादों से बचाव करें। नंबर 8, बेवजह की दौड़ भाग आपको परेशान कर सकती है। नंबर 9, काम के नए अवसर इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। अब वक्त है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का, तो सवाल की बात कर लेते हैं। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी पूरी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान लिखिए और सवाल लिखकर हमें भेजिए bhagyachakra@aajtak.com इस ईमेल आईडी पर। तो उन्हीं सवालों में से पंडित जी सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न हमें विशाल जी ने लिखा है, और विशाल जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। विशाल जी की जन्म की तारीख है 1 मई 1980। जन्म का समय रात में 10:15 और जन्म का स्थान है कानपुर। विशाल जी पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं है, कोई ना कोई समस्या मुझे रोज लगी रहती है। हालांकि कोई बड़ी बीमारी नहीं डायग्नोस होती, लेकिन किसी न किसी समस्या से मैं रोज परेशान रहता हूं, तो मैं क्या उपाय करूं कि कम से कम मैं स्वस्थ और प्रसन्न रह सकूं? विशाल जी, मंगल जो है वो किसी भी कुंडली में रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी है, और मंगल अगर कमजोर होगा तो कुंडली का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है। मंगल के गड़बड़ होने की वजह से आप लगातार बीमार पड़ रहे हैं और दशाएं भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। थोड़ा सा इंतजार करिए। एक तो मैं कहूंगा कि अभी अगस्त 2024 तक थोड़ी शांति और थोड़ी सावधानी बनाए रखिए। वाहन चलाने में, चोट चपेट के मामले में और हड्डियों के मामले में सतर्क रहेंगे। अगस्त के बाद से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, इसका आपको पाठ करना है। ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे, शरीर मन आपका बेहतर होगा और बीमारियों से छुटकारा पा सकेंगे। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए हमें पंडित जी आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाइए, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लीजिए। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी भाग्य चक्र में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात और किसी विशेष विषय पर पंडित जी से करेंगे बात। नमस्कार। नमस्कार।